नमस्कार, आज हम बनाएंगे बेसन का चीला। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर छन्नी रख ली है, उसमें हम बेसन डाल देंगे, सूजी डालेंगे। सूजी की जगह आप गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों को एक बार अच्छे से छान लेंगे ताकि जब इसमें हम पानी डालें तो कोई भी लम्स ना आए। एकदम से हमारा स्मूथ बैटर बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हमारा स्मूथ बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम सब्जियाँ। यहाँ पे मैंने बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती डाली है। आप अपने हिसाब से और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे डालेंगे हल्दी, रेड चिली फ्लेक्स डाल दी है, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। यहाँ पे आप रेड चिली फ्लेक्स की जगह थोड़ी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। एक पैन लेंगे, पैन को घी से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और जो वो हमारा पैन है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर हम ठंडे पैन में डाल देंगे तो हमारा बैटर जो है वो चिपक जाएगा। फिर यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को करेंगे लो ताकि नीचे से अच्छा सा सिक जाए। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट में ही ये ऊपर से एकदम ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइडों में घी या ऑयल लगा देंगे और इसे पलट देंगे। दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से इसे सेक लेंगे। ऐसे ही करके हम अपने सारे के सारे चीले तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजीली बन जाते हैं। बस एक दो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि गैस की फ्लेम को लो रखेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक सिक जाए और जब हम अपना बैटर डालें तो हमारा जो पैन है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सावरा पेज को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। या बच्चों को स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में बना के दे सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चीज़ें बन के तैयार होती हैं।